मिलान रहीम मैं एलाइट स्कूल चुपली टाउन कैंपस से आपसे मुखातिब हूँ आज हम क्लास सेवन के कंप्यूटर साइंसेस में चैप्टर नंबर फाइव इंट्रोडक्शन टू क्यूबेसिक्स रीड करेंगे क्यू बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो अपने सिंपल और फेमस होने की वजह से बहुत मशहूर है क्यूबेसिक्टैंड फॉर बिगनर्स ऑल परपज़ सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोर्ड ये डिज़ाइन की गई थी जॉन जॉर्ज कैमिनी एंड थॉमस यूजीन कर्ट्स ने 1964 में इसके सिंपल होने की वजह से ये टीचिंग पर्पस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट में यूज़ होती है ये बहुत आसानी से याद हो जाती है इसकी स्टेटमेंट्स बहुत सिंपल होती हैं और इसके पॉपुलर वर्जन में क्यू बेसिक शामिल है बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल थ्री टर्म्स को समझना ज़रूरी है प्रोग्राम एक ऐसे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को देते हैं फॉर पर्टिकुलर टास्क प्रोग्रामर प्रोग्रामर एक ऐसा पर्सन है जो कि प्रोग्राम को डील करता है एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को सेट करते हैं क्यूबी सिक क्यूबी सिक इस वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज इट स्टैंड फॉर क्विक बिगनर्स ऑल परपजस सिम्बॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड और एक डिवेलप की गई थी 1985 में बाय माइक्रोसॉफ्ट यू कैन डाउनलोड योर सॉफ्टवेयर फ्रॉम द वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट क्यू बी सिक्सटी फोर डॉट नेट को ओपन करने के लिए हमें डेस्कटॉप पे क्यूबेसिक के आइकन को डबल क्लिक करना पड़ता है टू टाइप्स ऑफ स्क्रीन ओपन हो जाती हैं एडिटर स्क्रीन एंड आउटपुट स्क्रीन एडिटर स्क्रीन के ऊपर हम अपने स्टेटमेंट्स देते हैं जिसके रिजल्ट हमें आउटपुट स्क्रीन के ऊपर नजर आते हैं क्यू बेसिक के ऊपर जो आइकन्स शो हो रहे हैं उसमें मिनिमाइज मैक्सिमाइज क्लोज बटन इट कंटेन्स मेन्यू बार स्टेटस बार नो कम टू इट्स कंपोनेंट इट हैज़ टाइटल बार मेन्यू बार स्टेटस बार इस पेज पे एम सी आपके लिए सॉल्व किए गए हैं क्यूबेसिक की स्टेटमेंट्स डिफरेंट टाइप्स की होती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल रेम स्टेटमेंट रेम स्टेटमेंट मीन्स रिमार्क ये हम किसी के लिए कोई नोट अगर लिखना चाहें तो वो इस रिमार्क के स्टेटमेंट के जरिए लिख सकते हैं एंड रिम्बर ऑलवेज लीव अ स्पेस आफ्टर राइटिंग आर ई एम एंड स्टेटमेंट मीन्स जिधर आपने अपना प्रोग्राम एंटर किया और उसके बाद आपने एंड स्टेटमेंट लिख दी डेट्स मीन आपका प्रोग्राम एंड हो चुका हुआ क्लियर स्टेटमेंट मीन्स आपने पुराना सारा क्लियर कर दिया अब न्यू आप प्रोग्राम एंटर करने के लिए रेडी है लेट स्टेटमेंट में हम वेरिएबल्स असाइन करते हैं और अपने वेरिएबल्स के ज़रिए हम मैथ्स का फंक्शन परफॉर्म करते हैं इनपुट स्टेटमेंट में हम डेटा प्रोवाइड करते हैं से इनपुट ए इनपुट बी लेट्स ही इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ऑन आउटपुट स्क्रीन यू विल सी एन इनपुट प्रिंट स्टेटमेंट में हम कोई भी मैसेज अपने यूजर के लिए लीव कर सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्यू बेसिक

प्रेस करेंगे और हमारी प्रीवियस फाइल जो हम ओपन करना चाहते हैं वो ओपन हो जाएगी ये एक्सरसाइज आपने अपनी होमवर्क कॉपीज पे करनी है कंप्यूटर की होमवर्क कॉपीज में और इसके मार्क्स आपके एनुअल एग्ज़ाम्स में ऐड होंगे थैंक यू स्टूडेंट्स टेक केयर अल्लाह हाफिज़